हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 को कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस 7y इक्वल टू 10 है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हमारा इक्वेशंस को नंबरिंग करना। तो दैट इज नंबर वन, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को दे दिया, इसको दे दिया सेकंड इक्वेशन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक श्योर कि कोई ना कोई एक वेरिएबल के दोनों कोएफिशिएंट को सेम बनाया जाए। या तो एक्स वेरिएबल के दोनों कोएफिशिएंट को सेम बनाइए या तो वाई वेरिएबल के दोनों कोएफिशिएंट को सेम बनाइए। ठीक है, अब इस केस में अगर हम देखें तो एक है 1x, एक है 3x। 1x को हम 3x बना सकते हैं इजीली, राइट? कैसे? जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। अगर 1x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 3x बन जाएगा। बहुत सिंपल है ये। 7y और 2y को सेम बनाने में थोड़ी मेहनत है, राइट? लेकिन ये बहुत सिंपल है, x को 3x बनाना, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 करना। ओके, नाउ आप बस एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो आपको पूरे की पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? इन ऑर्डर टू मेक दिस एक्स एज 3x। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप जो आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, एंड व्हेन यू डू दैट तो आपकी न्यू इक्वेशन कैसी आएगी, 3x प्लस 7 3s आर 21y इक्वल टू 3 10s are 30। बराबर, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ये आपकी नई इक्वेशन बन गई जिसमें आपका एक्स का कोएफिशिएंट 3x हो गया। बराबर, नाउ आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को तो आपने कस्टमाइज करके थर्ड बनाया, राइट? तो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो लेट्स ट्राई, लेट्स डू दैट। नाउ वी विल राइट 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, एंड दूसरी हमारी इक्वेशन कौन सी है, 3x प्लस 21y इक्वल टू 30, है ना? सेकेंड इक्वेशन लिखी मैंने और थर्ड इक्वेशन लिखी। अब एक चीज जो आपको ध्यान देनी है, मैं तो 3x को सॉल्व कर रही हूं, है ना? मुझे 3x को इरेडिकेट करना है, 3x को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए अब अगर ये नॉर्मल एडिशन हुआ तो 3 प्लस 3 तो 6 हो जाएगा, तो ये तो कट नहीं होगा, तो हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट? तो वी नीड टू राइट द स्टेटमेंट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। सो आपको आइडली ये चीज पहले लिखनी चाहिए, तो मैं लिख देती हूँ अभी, रहने दीजिए, मैं रब करके लिख देती हूँ, अदरवाइज आप लोग राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3। सो आई विल राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, राइट? सो 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 21y इक्वल टू 30, राइट? नाउ माइनस या प्लस है तो माइनस, यहां पे भी माइनस, हर जगह माइनस। नाउ व्हेन वी सॉल्व इट क्या आएगा हमारा आंसर, लेट्स सी। 3x माइनस 3x कट हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 21y, है ना? नीचे वाली साइन लेनी है, तो माइनस 2y माइनस 21y कितना आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 21 प्लस 2 विल गिव यू 23 और साइन रहेगा बड़े नंबर का, मतलब कि माइनस का साइन रहेगा, तो माइनस 23y इक्वल टू 7 माइनस 30। 7 माइनस 30 कितना आएगा, प्लस 7 माइनस 30, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है? तो 30 और 7 के बीच में माइनस होता है तो कितना आता है, 23 आता है। 23 आएगा, साइन किसका रहेगा, बड़े नंबर का साइन, मतलब 30 का साइन रहेगा, 30 का साइन इज माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस 23। तो y का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 23 अपॉन माइनस 23, मल्टीप्लीकेशन में माइनस 23 था, इधर गया तो डिविजन में आ गया, कैंसल, क्या बचेगा 1, therefore y का वैल्यू आया 1।
Now place y equal to 1 in, maybe you can put it in equation 1, anything is fine, no problem. So x plus 7 into y ke jagah pe we'll put 1 equal to 10. So x plus 7 equal to 10. X ka value kitna aega? 10 minus 7. Ye plus 7 idhar gaya to minus 7. To x ka value kitna aega? 10 minus 7 is 3. So what you can write? Solution x comma y equal to, yahan pe kya aega? 3 comma 1. So this was second question. Let's move ahead with the third one. So let's start with the third question. Sabse pehli cheez aapko jo karni hai wo equations ko numbering. So equation 1 and equation 2. Now yahan pe dekhiye kaun se variable ka coefficient same hai. To hum pehle hi dekh sakte hai ki x variable ka coefficient सेम है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा डिसाइड करना है कि ऐड करें या सबट्रैक्ट करें. तो अगर 2 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, हमको तो एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करना है मतलब करना पड़ेगा सबट्रैक्शन. ठीक है, तो सबट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सबट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो क्या आएगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस y इक्वल टू 13, माइनस माइनस माइनस. सॉल्व करेंगे इसको, 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस 3y माइनस y, माइनस 3y माइनस y, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 3 माइनस 1 विल गिव यू माइनस 4y, बराबर. 3 प्लस 1 4 होगा, साइन रहेगा बड़े नंबर का, तो माइनस 4y इक्वल टू 9 माइनस 13 विल गिव यू, 9 प्लस में है 13 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 13 और 9 के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, इसका आंसर आएगा 4, लेकिन साइन किसका रहेगा? बड़े नंबर का, तो इसीलिए माइनस 4. ओके, नाउ मूविंग अहेड, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4 है, माइनस 4 इधर गया डिवीजन में, तो y इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4, कैंसल, बचेगा क्या? 1, डायरेक्टली आई विल राइट 1, देयरफॉर y इक्वल टू आया 1. इसमें किसी, आई होप दिस थिंग इज क्लियर. माइनस माइनस कैंसल, 4 वन जा 4, इसीलिए 1 आया. ओके, नाउ प्लेस y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. So 2x minus 3 into 1 equal to 9, है ना? इस equation में देखिए substitute कर रही हूँ, 2x minus 3 into 1 equal to 9, 2x minus 3 equal to 9, 2x equal to 9, minus 3 इधर गया तो plus 3 हो जाएगा, that is 9 plus 3 कितना आता है? 12, तो 2x equal to 12, x equal to 12 upon 2, राइट, मल्टीप्लिकेशन में 2 था, इधर गया तो डिवीजन में, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आएगा? 6. सो यहां पे y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 6, यू कैन राइट सॉल्यूशन x कॉमा y इक्वल टू 6 कॉमा 1. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द फोर्थ क्वेश्चन. So let's start with the fourth question. यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 5m minus 3n equal to 19, m minus 6n equal to minus 7. सबसे पहली चीज, we need to name the equations, numbering the equations, वो important है. उसके बाद next step is equalizing the coefficient of one of the variable, not both, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वलाइज करना है. तो या तो m का कीजिए या तो n का कीजिए. मुझे यहाँ पे देखिए m सिंपल लग रहा है और n भी सिंपल लग रहा है. m का कैसे करेंगे? ये 5m है, इसको अगर हमको 5m बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई होल इक्वेशन. ठीक है, दैट्स वन थिंग. नाउ अगर मुझे n को सेम बनाना है तो ये 6 है, ये 3 है, बराबर. अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 6 मिल जाएगा,
है ना। तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके भी हमारा काम हो सकता है, तो फिर n का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो योर चॉइस, इफ यू वांट टू मेक n सेम यू मेक n सेम, इफ यू वांट टू मेक m सेम यू मेक m सेम। मैं यहाँ पे m के साथ जा रही हूँ, सो आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 5, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 एंड व्हेन आई डू दैट आई विल गेट 5m माइनस 5 6 जा 30 आता है, तो 30n इक्वल टू 5 7 जा 35 आता है, तो माइनस 35 मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, थर्ड इक्वेशन और कौन सी इक्वेशन हमको लेनी है साथ में, हमने सेकंड को कस्टमाइज करके थर्ड बनाया राइट, तो फर्स्ट एंड थर्ड को साथ में लेना है, बिकॉज सेकंड तो कस्टमाइज्ड वर्जन है ना, थर्ड इज द कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ सेकंड, सेकंड को लेने की जरूरत नहीं है, सीधा फर्स्ट एंड थर्ड को लो साथ में। राइट इट डाउन, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 एंड 5m माइनस 30n इक्वल टू माइनस 35। अब आपका टास्क ये है डिसाइड करना कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट। तो आपने 5m को सेम बनाया, तो m को देखिए अगर आप ऐड करेंगे नॉर्मल तो 5 + 5 = 10 हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो डालना ही पड़ेगा हमको, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आइडली यू शुड राइट दिस बिफोर राइटिंग द इक्वेशन, है ना, सब्ट्रैक्ट 2 and 3, सॉरी सब्ट्रैक्ट 1 and 3। ओके, सो 5m माइनस 5m, अब देखिए सब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, तो 5m प्लस में था मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में आपको ये चीज याद रखनी है, साइन चेंज हो जाता है, ओके, नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, तो 5m माइनस 5m कैंसिल, माइनस 3n प्लस 30n, माइनस 3n प्लस 30n, माइनस प्लस माइनस होता है बराबर, तो 30 और 3 के बीच में माइनस होगा तो 27 आएगा। साइन किसका रहेगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 30, उसका साइन है प्लस, तो आएगा 27n। सिमिलरली 19 प्लस 35 है ना, एडिशन है दोनों के बीच में, 19 प्लस 35, 35 प्लस 19 कितना होता है, 35 प्लस 45 55 एंड उसमें से माइनस 1 कर दो 54, सो 19 प्लस 35 इज 54। साइन बड़े नंबर का, दोनों नंबर का साइन यहाँ पे प्लस है तो प्लस का ही साइन आएगा, तो 27n इक्वल टू 54 आया। लेट्स सॉल्व इट फर्दर, n को यहीं पे रखते हैं, 27 को उस साइड भेजते हैं, तो 54 अपॉन 27 हो जाएगा, बिकॉज n के साथ मल्टीप्लीकेशन में था। नाउ ये दोनों के दोनों 9 के टर्म में जाएंगे, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 2। ओके, नाउ प्लेस n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, एनी वन ऑफ द इक्वेशन, यू कैन पुट इट इन 2 1 एनीथिंग, नो प्रॉब्लम, सो आई एम पुटिंग इट इन 2, तो m माइनस 6 इंटू n के जगह पे 2 इक्वल टू माइनस 7, m माइनस 6 2 जा 12 इक्वल टू माइनस 7, m इक्वल टू माइनस 12 उधर गया तो प्लस 12 हो जाएगा, तो माइनस 7 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 5, तो m का वैल्यू आ गया 5। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, m कॉमा n इक्वल टू 5, 2। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3, x प्लस 5y इक्वल टू 4। सबसे पहला स्टेप नंबरिंग द इक्वेशन, नाउ थिंकिंग कि कौन से वेरिएबल को सेम बनाया जाए, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, देखिए x का जो वेरिएबल एक x का जो कोएफिशिएंट है, एक है 5 एक है 1, ठीक है, तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा काम सिंपल, एक झटके में हमारा x वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा राइट। जिसको y के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है वो y के कोएफिशिएंट को भी सेम बना सकता है, बट उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये 2 5 जा 10 हो और ये 5 2 जा 10 हो, तब जाके तो ये 10y 10y दोनों हो जाएंगे राइट। तो फिलहाल के लिए सिंपल जो है हम उसके साथ जाएंगे, विच इज मेकिंग x को 5x राइट। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2
with 5. Multiply equation 2 by 5. When we do that, we'll get 5x plus 25y equal to 20, which is my equation number 3. Right? Now, solving 1 and 3. 1 and 3 ko consider karna because 3 is the customized version of 2. So, 2 ko to lene ki zarurat nahi hai, seedha 1 and 3 lena hai humko. So, we'll write 1 and 3 likhne se pehle samajhte hai ki unke beech mein kaun sa operation perform karna hai. Humne kisko same banaya? Humne x ke coefficient ko same banaya. तो ये 5x है और यहाँ पे ही 5x है. सो आप देख सकते हैं दोनों का साइन प्लस है. तो अगर हमको इनको सॉल्व करना है, इनको एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ताकि एक का साइन तो माइनस हो, ताकि 5x माइनस 5x जीरो हो. नहीं तो अभी तो ये 5x प्लस 5x और 10x हो जाएगा. राइट? सो सब्ट्रैक्टिंग कौन कौन सा इक्वेशन लेना है? 1 and 3. सब्ट्रैक्टिंग 1 and 3. एंड व्हेन यू डू दैट तो 5x plus 2y equal to minus 3, 5x plus 25y equal to 20. ये लिखेंगे सब जगह माइनस का साइन, जहां पे भी प्लस है वहां पे माइनस, नीचे वाले में सब नीचे वाले टर्म्स में माइनस का साइन आएगा. नाउ लेट्स सॉल्व. 5x minus 5x कैंसल, 2y minus 25y, 2y minus 25y, 2 का साइन प्लस है, 25 का साइन माइनस है. तो 2 माइनस 25 कितना होगा? माइनस 23. बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 और 2 के बीच में तो माइनस होगा. 25 माइनस 2 विल गिव यू 23, लेकिन साइन रहेगा बड़े नंबर का, विच इज 25 का साइन, विच इज माइनस. तो माइनस 23y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस 3 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 20 प्लस 3 23 आएगा, साइन रहेगा बड़े नंबर का, विच इज माइनस 23. ओके, so y equal to minus 23 upon minus 23, which is equal to 1. Okay, now y का value आ गया 1. Now let's move ahead. Place y equal to 1 in equation 2 में put कर सकते हैं, 1 में put कर सकते हैं, किसी में भी put कर सकते हैं. Okay, so x plus 5 into 1 equal to 4. So x plus 5 and 5 equal to 4. X equal to 4 minus 5 equal to minus 1. So x ka value kya aa gaya? Minus 1 aa gaya. Barabar? So our solution is x comma y equal to minus 1 comma 1. Okay? सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा. आने वाले वीडियो में हम बाकी के सम्स करेंगे. सो आई थिंक वी हैव रिमेनिंग 3 सम्स. तो ये 3 सम्स हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो जाएगा. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज समझ आ रही है. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.